उत्तर प्रदेश में विकास को लगेंगे पंख। पीएम मोदी ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। 80,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। भारी विरोध के बीच मानसा पहुंचे सीएम भगवंत मान। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों को बंधाया ढांढस। हत्यारों को जल्द पकड़वाने के लिए दिलाया भरोसा। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीषण हादसा। बस में आग लगने से 7 लोगों की मौत, 29 गंभीर रूप से घायल। गोवा से हैदराबाद जा रही थी बस। 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। जांच एजेंसी के नोटिस के बाद मांगी थी नई डेट। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में भेजा नया समन। जम्मू कश्मीर में हालात को लेकर एक्शन में अमित शाह। टारगेट किलिंग पर आज दूसरी अहम बैठक। गृह मंत्रालय का आ सकता है बड़ा फैसला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकले फायर। चंपावत विधानसभा चुनाव में दर्ज की रिकॉर्ड जीत। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी नहीं बचा सकी जमानत। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, अब और आंदोलन नहीं। हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं। भारत में धार्मिक स्थलों पर हमले की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जारी की रिपोर्ट। कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये स्थिति चिंताजनक। आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिखाई साइकिल रैली को हरी झंडी। 750 युवाओं के साथ मंत्री ठाकुर ने 7.5 किलोमीटर चलाई साइकिल। सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचे विधायक गुरप्रीत सिंह। बनावली को वापस लौटना पड़ा। लोगों ने उनका भारी विरोध किया और नारेबाजी की। विधायक ने कहा, प्रशासन से कोई गलती हुई है तो माफी मांगता हूं। प्रियंका गांधी भी कोविड संक्रमित। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल ही लखनऊ से दिल्ली लौटी थी। कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। बोले, कश्मीर में 1990 जैसे हालात, धारा 370 हटाने का नहीं हुआ फायदा। ईडी ने पीएलएमए कोर्ट में दायर चार्जशीट में कहा, पीएफआई ने आतंकी गतिविधियों के लिए चीन से जुटाया फंड। पीएफआई टेरर फंडिंग, सीएए विरोधी आंदोलन को उकसाने, दिल्ली दंगों को भड़काने जैसे गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में हो रहे पुनः विकास और जन सुविधाओं के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी। हल्के लक्षण पाए जाने पर खुद को किया होम आइसोलेट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के करीब 400 नए मामले, इस दौरान 2 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हुए आंकड़े। उत्तराखंड का लाल कश्मीर बॉर्डर पर हुआ शहीद। जिले के साथ ही समूचे उत्तराखंड में भी शोक की लहर। शहीद जवान की पहचान प्रवीण सिंह के रूप में हुई। कर्नाटक के कलबुर्गी में हुआ सड़क हादसा। गोवा से हैदराबाद जा रही स्लीपर बस में दूसरे वाहन से टक्कर के बाद लगी आग। आग में झुलसने से 7 लोगों की जलकर मौत हुई। मध्य प्रदेश के चांदपुर में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 लोगों की तबीयत खराब हो गई। मौत के बाद जिला प्रशासन ने दिए मामले की जांच के आदेश। देश के कई राज्यों में प्री मानसून बारिश जारी, तो वहीं कुछ राज्यों में हीट वेव की स्थिति फिर से बनने की संभावना शुरू हुई। दिल्ली में आंधी और बारिश का दौर थमते ही गर्मी एक बार फिर बढ़ने लगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश से लेकर नागालैंड तक ठीक ठाक बारिश हो सकती। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल में अगले 5 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना। पाकिस्तान में अब श्रीलंका जैसे हालात होने के आसार। यहां पेट्रोल का भाव 209 रुपए प्रति लीटर। महंगाई की मार झेल रहे नागरिकों पर बढ़ा बोझ। इमरान खान अपने एक विवादित बयान को लेकर फिर सुर्खियों में। कहा, भारत के पास है पाकिस्तान विभाजन की योजना। हनुमानगढ़ में बैंक मैनेजर विजय कुमार की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। शव पहुंचते ही घर में मचा कोहराम। कश्मीर में आतंकियों ने की थी हत्या। जयपुर एयरपोर्ट पर हुई मॉक ड्रिल। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने स्टूडेंट्स को आतंकियों से छुड़वाया। विमान हाईजैक होने की दी गई थी सूचना।
जैसलमेर के दामोदरा गांव में एक कच्चे घर में भीषण आग लगी। वहीं आग लगने पर झोंपड़ी सहित सामान जलकर खाक। आग की चपेट में आने से चार बकरियों की मौत। झुंझुनू में कई दिन पूर्व हुई बारिश के बाद अचानक तापमान में बढ़ोतरी हो गई, जिससे मौसमी बीमारियों के साथ निमोनिया के मरीजों की संख्या बढ़ गई। बूंदी में विश्व बाइसाइकिल दिवस पर नेहरू युवा केंद्र ने साइकिल रैली का आयोजन किया। वहीं जगह जगह रैली के उत्साहवर्धन के लिए लोगों ने तालियां बजाई और पुष्प वर्षा की। नागौर में चोरों ने मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर लाखों की नकदी चुराकर फरार हो गए और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर साथ ले गए। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। बोली के हिंदूपुरा से हरसोता जाने वाले कच्चे रास्ते पर पिछले करीब तीन सालों से अतिक्रमण हो रहा था, जिस पर अब पीला पंजा चला है। श्रीविजयनगर के 23 जीबी के पास बने जोहर के पास पड़ी सूखी लकड़ियों में अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पिसांगन के बालाजी मंदिर में आरएसएस और कई हिंदू संगठनों की बैठक हुई। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई और समितियों का गठन कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन नकेल के तहत अवैध शराब और आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान एक महीने में आबकारी अधिनियम के तहत 77 प्रकरण दर्ज किए। 600 से ज्यादा व्यक्तियों को शांति भंग में गिरफ्तार कर पाबंद किया। राजगढ़ में पुलिस ने कोतवाल विनोद सामरिया के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाला फ्लैग मार्च। इस दौरान पुलिस ने अपराधियों और अशांति पैदा करने वाले से निपटने का संदेश दिया। डीडवाना के मकराना में विधायक रूपाराम मुरावतिया ने गांव का दौरा किया। इस दौरान विधायक मुरावतिया ने आगामी कृषि की सीजन को लेकर हर किसान के लिए अच्छी खेती और अच्छी पैदावार की कामना की। अजमेर के नसीराबाद में बस स्टैंड के पास बने कचरा टैंक के बाहर फैले कूड़े कचरे के ढेर में आग लग गई। पास में खड़ी टैक्सी वाहन को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं इलाके के वासियों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। बारा में हड़ौती से जाट समाज के लोग मंडी व्यापारी राघवेंद्र की हत्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। अन्य हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में शहीद राजेंद्र सिंह चौहान के 21वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान विधायक चंद्रभान सिंह आकिया समेत कई लोग मौजूद रहे। राजसमंद में नेहरू युवा केंद्र और ओलंपिया जिम के संयुक्त तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन हुआ। एसडीएम दिनेश राय सापेला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजसमंद में स्काउट गाइड के तत्वाधान में चल रहे ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर के तहत बालिकाओं ने कांकरोली थाने का अवलोकन किया। बालिकाओं को एफआईआर दर्ज करने, अनुसंधान और हवालात के बारे में जानकारी दी। दौसा के मंडावर में बीजेपी नेता राजेंद्र मीणा ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राजेंद्र मीणा ने खेल का खेल की भावना से खेलने का संदेश दिया। डूंगरपुर में मानसून से पहले कृषि विभाग ने खरीफ की बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि विभाग ने 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुवाई का लक्ष्य रखा। सिकराय की पीएचडी कार्यालय पर ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर पेयजल समस्या के निराकरण करने की मांग की। दर्जन लोग मौजूद रहे। जाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगिनियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ और इस आयोजन में स्थानीय विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने शिरकत की। राजसमंद में हिंदू जागरण मंच ने हिंदुओं के खिलाफ घटनाओं के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आपराधिक घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की। हनुमानगढ़ के रावतसर में वार्ड 17 स्थित गुरुद्वारे में आयोजन हुआ। श्री अखंड साहब के पाठ का भोग डाला गया तो वहीं विशाल रक्तदान महोत्सव का भी आयोजन हुआ। डीडवाना में नेहरू युवा केंद्र संगठन और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में मनाया गया साइकिल दिवस। स्वयंसेवक अरशद खान और विनोद जांगीर के निर्देशन में किसान नगर से दौलतपुरा मार्ग तक निकाली गई रैली। सांगानेर में श्रीरामपुरा गांव में विधायक गंगा देवी ने टेंट गोदाम में आग से नुकसान का जायजा लिया और विकास अधिकारी को आग से नुकसान की रिपोर्ट बनाकर भेजने के मौके पर निर्देश दिए। जयपुर के बस्सी में राम मंदिर में रोहितासपुर तक कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में 251 कलश थे। वहीं 9 जून तक गांव रोहितासपुर में दिगंबर शास्त्री मथुरा वाले द्वारा संगीत में भागवत कथा होगी।
प्रतापगढ़ में पुलिस कार्रवाई के दौरान पकड़े गए मादक पदार्थों के निस्तारण की कार्रवाई की गई। रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में डोडा चूरा गांजा को नष्ट किया गया। गोपालगढ़ में मेटो और आशा सहयोगियों के भुगतान की मांग को लेकर रजलानी सरपंच पारस गुर्जर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। लंबे समय से भुगतान नहीं हो रहा है। बारहवीं कोतवाली सीआई मांगेलाल यादव को हटाने के आश्वासन पर पुलिसकर्मियों में रोष। अधिकतर पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया और मैस का भी बहिष्कार किया। उदयपुर संभाग के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ बांसवाड़ा के अली चैंबर में किया गया। यहां सुबह 8 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर मुनव्वर हुसैन निशुल्क चिकित्सा परामर्श और अन्य सुविधाएं देंगे। मेड़ता सिटी के विष्णु सागर में डूबने से युवक की मौत। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। झुंझुनू में विश्व साइकिल दिवस पर डॉक्टर्स के ग्रुप ने साइकिलिंग के जरिए फिट रहने का संदेश दिया। शहर में साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक बनाने की मांग की। श्रीगंगानगर में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। साइकिलिंग कर शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने का संदेश दिया। बच्चों और बुजुर्गों में दिखा साइकिलिंग का क्रेज। झुंझुनू में कलेक्टर की क्लास में विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति आमजन को किया जागरूक। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग पर लगेगा बैन। कोटा की सीमलिया में कलेक्टर हरिमोहन मीणा की जनसुनवाई। कलेक्टर को देखकर बड़ी तादाद में ग्रामीण पहुंचे। महीने के पहले पखवाड़े में पंचायत तक पहुंचने का नवाचार। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन हुआ। इस दौरान सभापति संदीप शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा में सुभाष नगर थाना क्षेत्र के सांगानेर में युवक के साथ अज्ञात युवकों ने मारपीट की। युवक घायल हो गया जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बूंदी में 3 स्थानों पर हुई चाकूबाजी की घटना। हादसे में कांग्रेसी पार्षद शांति सोनी के पुत्र मेहुल सोनी समेत 3 लोग घायल। वहीं पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। डीडवाना में जल जीवन मिशन में डीडवाना प्रदेश भर में रहा अव्वल। वहीं 92% ग्रामीणों को दिए जा चुके हैं जल कनेक्शन। पिसांगन के मेवाड़िया रोड खाली भूखंड में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। वहीं ग्रामीणों ने टैंकर से पानी डालकर आग पर काबू पाया। जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए भूजल विभाग परिसर में भूमि पर कार्य शुरू। वहीं प्रथम चरण के लिए 27,000 स्क्वायर मीटर भूमि की आवश्यकता रहेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 230 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। जोधपुर में बाल अधिकारिता विभाग बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए समर्थ योजना के तहत कार्य कर रहा। इसमें बच्चे को कमाने के लायक बनाने के लिए योजना में लिस्टिंग करने प्रशिक्षण कोर्स करवाए जाते हैं। श्रीगंगानगर में एटा सिंगरासर निर्माण को लेकर सूरतगढ़ के टिब्बा क्षेत्र में आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने थर्मल प्लांट के घेराव की घोषणा की। उदयपुर में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली आयोजित हुई। इस दौरान रैली में शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिरोही के शिवगंज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महाराणा प्रताप की जयंती पर विशाल वाहन रैली निकाली। वाहन रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आरएसएस ने निकाला पथ संचलन। विद्या निकेतन विद्यालय से शहर के मुख्य बाजारों में होते हुए ये पथ संचलन निकाला गया। भरतपुर के बयाना में पुलिस ने चोरी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 अन्य आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार। सरकारी शीशम के पेड़ों को चोरी से काट कर ले जाने का मामला था। सिरोही में हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन। इस दौरान अलग अलग रथ में संत और झांकियां नजर आई। चित्तौड़गढ़ में चोरों ने एसी की आउटडोर यूनिट खोलने की कोशिश की। प्रतिष्ठान से खोल कर ले जा रहे थे आउटडोर यूनिट। एक युवक को लोगों ने पकड़ा। वहीं दो युवक मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने सौंप दिया। जोधपुर के फलौदी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वहीं विधवा महिलाओं को 50 सिलाई मशीन और विकलांगों को 8 ट्राई साइकिल भेंट की गई। अजमेर के ब्यावर में पुलिया ने दुर्घटनाग्रस्त कार से 45 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया। तस्कर घटनाग्रस्त कार को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात तस्करों की तलाश शुरू कर दी।
बीकानेर में राजकीय डूंगर महाविद्यालय से सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला कैंडल मार्च। एनएसयूआई पूर्व जिलाध्यक्ष रामनिवास कुकणा और छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ।